हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए कड़ान सो दोस्तों जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए गए हैं रिगार्डिंग एमसीक्यूज उनकी हम डिस्कशंस लेके आएंगे तो आज मैं उसका फर्स्ट वीडियो लेके आया हूँ आज के इस टॉपिक में हम दो चैप्टर कवर करेंगे फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग एंड सेकेंड इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक सो फर्स्ट एम इज़ विच आर फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनमें से कौन सी है जिनको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हम मेनटेन करते हैं बिजनेस में उसमें रिकॉर्ड नहीं करते ऑप्शन ए इज़ सेल ऑफ गुड्स बी इज़ पेमेंट ऑफ सैलरी सी इज़ क्वालिटी ऑफ स्टॉफ एंड डी इज़ परचेज ऑफ गुड्स दोस्तों ये जो सेल ऑफ गुड्स है हम जो भी अपनी गुड्स बेचते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सैलरी की पेमेंट करते हैं या कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग करते हैं परचेज़ ऑफ़ गुड्स जो डी पार्ट है गुड्स खरीदते हैं तो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टाफ एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते क्यों नहीं करते मैंने कहा था कि अकाउंट्स में हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में मेजर कर पाएँ जिनकी कोई मनी वैल्यू हो तो क्वालिटी ऑफ स्टाफ की कोई भी मनी वैल्यू नहीं होती हम उसको मनी वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी जिसको हम मनी वैल्यू में मेजर ना कर पाएँ उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते सो आंसर इज सी यानी क्वालिटी ऑफ स्टाफ चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद बुक कीपिंग मेनली किस चीज़ से कंसर्न है चार ऑप्शन है आपके पास ए रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस नॉट रियलिटी इट इज़ रिलेटिंग टू बिजनेस बी डिज़ाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्ड्स डाटा सी इज इंटरप्रेटिंग डाटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स एंड डी इज ऑल ऑफ फॉर सो राइट आंसर है इज ए रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस आपको याद होगा कि मैंने कहा था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में का मैंने डिफरेंस बताया था तो मैंने कहा था कि बुक कीपिंग जो है उसका काम है आइडेंटिफिकेशन करना मेजर करना रिकॉर्डिंग करना और क्लासिफिकेशन तो पहली चार चीज़ें जो अकाउंटिंग प्रोसेस की हैं वो बुक कीपिंग में आती हैं उसके बाद की तीन चीज़ें समराइजिंग एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस रिजल्ट ये आपकी अकाउंटिंग में आती हैं तो बुक कीपिंग का जो मेन काम होता है वो है जो डाटा है उनको रिकॉर्ड करना अप टू तो कहाँ तक अप टू तो क्लासिफिकेशन तक सो राइट आंसर इज ए रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस हालांकि आंसर की में इसका आंसर डी दिया दिया गया है जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक है आप उसको रेक्टिफाई कर लें इसका आंसर ए है चलिए आई होप ये आपको क्लियर हो गया नेक्स्ट पे मूव करते हैं द पाइनियर ऑफ अकाउंटिंग इज़ पाइनियर ऑफ अकाउंटिंग मतलब जिन्होंने अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस की जो अकाउंटिंग का कंसेप्ट लेके आए इन चारों में से वो कौन थे ए इज़ आर्थर फील्ड हाउस बी इज किटमैन सी इज विलियम पिकल्स एंड डी इज लुकास पिकोली सो राइट आंसर इज आपको याद रखना है कि डी लुकास पिकोली वो हैं जिन्होंने जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया था चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं नेक्स्ट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड बाय जो बिजनेस के रिकॉर्ड्स होते हैं वो किने चाहिए होते हैं ऑप्शन ए इज़ मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस बी इज़ आउटसाइडर सी आल ऑफ अबव एंड डी नन ऑफ दीज देखिए दोस्तों मैंने कहा था कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस में लास्ट स्टेज थी कि हम जिसमें अपना जो भी फाइनल रिजल्ट हमारे हैं वो कम्युनिकेट करते हैं और उसमें मैंने बताया था इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स इंटरनल यूज हो गए मैनेजमेंट कंपनी और उसकी मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेके एक पीएन तक जो हैं ये सारे आ गए इंटरनल में और एक्सटर्नल में कौन आता है बैंक्स जिन्होंने लोन दे रखा है लैंडर्स या फिर क्रेडिटर जिन्होंने कंपनी को उधार में गुड्स दे रखी हैं ये आते हैं आउटसाइडर में तो दोनों को ही कंपनी के जो फाइनेंशियल डाटा हैं वो चाहिए होते हैं सो अकाउंटिंग कार्ड ऑफ बिजनेस इंटरसप्राइज रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट आउटसाइडर आल ऑफ अबाव सो राइट आंसर इज सी जिसमें ये दोनों आ जाएंगे यानी आल ऑफ अबाव आई होप आपको ये क्लियर हो गया चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं टू कंट्रोल द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज मेन फील्ड ऑफ किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना किसका काम है चार ऑप्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बी कॉस्ट अकाउंटिंग सी ऑडिटिंग डी नन ऑफ दिस तो जो किसी प्रोडक्ट को कौ, कौ, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करती है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग आपको याद होगा मैंने आपको डिफरेंस बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेरे फर्स्ट या सेकंड वीडियो में वो है तो उसमें मैंने बताया था कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसका काम है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करना सो आंसर इज बी यानी कॉस्ट अकाउंटिंग चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं नेक्स्ट इज़ सिक्स बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द बुक कीपिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है ऑप्शन ए इज़ प्राइमरी इंफॉर्मेशन बी इज़ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सी इज़ एनुअल इंफॉर्मेशन डी नन ऑफ दिस देखिए ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि जो बुक कीपिंग है वो हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी प्राइमरी इंफॉर्मेशन में मैंने आपको चार बताई थी वो कौन कौन सी थी आपको याद होगा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस के बारे में जब बताया था तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन में आता है आइडेंटिफिकेशन मेजरिंग रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन और सेकेंडरी में क्या आता है समराइजिंग एनालाइजिंग और कम्युनिकेशन ये जो सात स्टेजेस थी अकाउंटिंग प्रोसेस की ये बताई थी तो बुक कीपिंग में पहली चार स्टेजेस आती हैं सो इट्स ए प्राइमरी इंफॉर्मेशन बुक कीपिंग क्या प्रोवाइड करती है हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन सो राइट आंसर इज ए चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज मॉडर्न सिस्टम जो है बुक कीपिंग का वो क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम ए ऑप्शन बी इज डबल एंट्री सिस्टम सी इज़ ब्रिटिश सिस्टम डी नन ऑफ दिस तो ये भी मैंने आपको बताया था और ये आपने पूरे अकाउंटिंग में सीखा है कि हम जिस सिस्टम पे काम करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम है यानी एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट यानी एक डेबिट और एक क्रेडिट सो इट्स ए डबल एंट्री सिस्टम सो राइट आंसर इज बी आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया नेक्स्ट एट पे आते हैं सप्लाई सप्लाई ऑफ नॉट फूड्स है ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज़ इज़ नोन एज हम गुड्स और सर्विस की जो एक्सचेंज करते हैं दो लोगों में पैसों के बदले में उसको हम क्या बोलेंगे जब भी हम किसी को गुड्स या कोई सर्विस देते हैं पैसों के बदले में तो उसको हम क्या बोलेंगे ए इज़ गुड्स ट्रांजेक्शन बी इज सर्विस ट्रांजेक्शन सी इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन डी इज़ क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो देखिए दोस्तों बिजनेस में जो हम कोई भी लेन देन करते हैं उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं और वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाती है सो आंसर इज़ सी गुड्स ट्रांजेक्शन सर्विस ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन ये सारी ही बिजनेस ट्रांजेक्शन में आती हैं तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसमें ये सारी भी आ जाएंगी आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया next है चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं नाइन्थ विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन तो मैंने अकाउंटिंग जो प्रोसेस बताई थी उसमें मैंने आपको सात स्टेप बनाए बताए थे फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन सेकेंड इज मेजरिंग थर्ड इज रिकॉर्डिंग फोर्थ इज क्लासीफाइंग फिफ्थ इज समराइजिंग सिक्स इज एनालाइजिंग एंड सेवन्थ इज कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस रिजल्ट तो इसने लास्ट स्टेप पूछा है कि अकाउंटिंग का जो लास्ट स्टेप है विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सो हमारे आंसर्स यहाँ पे जो दिए गए हैं इज रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन बी इज प्रिप्रेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सी इज़ कम्युनिकेशन ऑफ़ इन्फॉर्मेशन डी इज एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन सो लास्ट स्टेप मैंने अभी बताया कि जो हमारा सबसे फाइनल स्टेप होता है वो है कम्युनिकेट करना यानी अपना रिजल्ट बताना सो आंसर इज सी चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं टेंथ इज विच ऑ ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनमें से कौन हैं जो internal statement है जो इंटरनल स्टेटमेंट के यूजर्स नहीं हैं सो आंसर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बी इज मैनेजर सी इंप्लॉय डी लेंडर अब इंटरनल यूजर्स में मैंने क्या बताया था कि जो मैनेजमेंट है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेके पी तक भी आते हैं इम्प्लॉइज आते हैं सब आते हैं वो इंटरनल यूजर्स हैं लेकिन क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो इंटरनल यूज़र नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इंटरनल यूजर्स में आते हैं मैनेजर भी इंटरनल यूजर्स में आते हैं क्योंकि ये कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं इम्प्लॉयज़ भी कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं तो कौन है जो नहीं है एम्प्लॉय से कंपनी uh, से जुड़ा हुआ दैट इज़ लैंडर यानी जिन्होंने कंपनी को लोन uh, दिया हुआ है ठीक है तो लेंडर्स जो हैं ये एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं सो राइट आंसर इज दी यानी लेंडर नेक्स्ट इज द गुड्स विच आर परचेज फॉर पर्पज ऑफ रीसेल वो गुड्स जिनको हम खरीदते हैं बेचने के लिए उनको हम क्या बोलेंगे ऑप्शन ए इज परचेज ऑप्शन बी इज मर्केंडाइज ऑप्शन सी इज गुड्स या इन्वेंट्री और डी ऑल ऑफ इसमें जो सही राइट right आंसर है अप्रोप्रिएट आंसर इज ए परचेज वैसे जो हमारी गुड्स बच जाती हैं उसको हम मैकेंडाइज या फिर या फिर हम गुड्स या इन्वेंट्री भी बोलते हैं लेकिन इन, गुड्स या इन्वेंट्री वो होता है स्टॉक वो होता है गुड्स इन्वेंट्री या स्टॉक जो साल के एंड में बच जाता है ठीक है हमने जो गुड्स ख़रीदी कस्टमर को बेचने के लिए उसको हम जब अपने एंट्रीज बनाते हैं उसको हम परचेज लिखते हैं सो राइट आंसर इज़ परचेज नेक्स्ट इज़ कैश इन्वेस्टेड नॉट इन्वर्टेड याद रखना कैश इन्वेस्टेड बाय ऑनर इज़ कॉल्ड ऑनर अपने बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको हम क्या कहते हैं सो आंसर यहाँ पे चार जो दिए हैं एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल या लोन ए जो ऑप्शन है वो एसेट है बी ऑप्शन लाइबिलिटी सी कैपिटल डी लोन मुझे लगता है ये तो आप सबको पता होगा कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं सी कैपिटल राइट चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं थर्टीन कैश और गुड्स टेकन अवे बाय प्रॉपराइटर इज कॉल्ड ये भी आपने बड़ी बार किया है कि जो हम कैश या गुड्स ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है या विड्रॉ कर लेता है उसको हम क्या कहते हैं सो so, आंसर जहाँ चार जो दिए हैं उसमें है ड्राॅइंग स्केल चैरिटी एक्सपेंस स्केल नहीं है बी इज सेल प्रिंटिंग मिस्टेक है बी सेल नॉट स्केल ठीक है तो चार ऑप्शन में क्या क्या आ गया ड्राइंग सेल चैरिटी एक्सपेंस तो गुड्स अगर किसी ने वापिस विड्रॉ किए अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे सो राइट राइट आंसर इज ए यानी ड्राइंग्स चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं एनी रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कोई भी रिटर्न एविडेंस जो किसी ट्रां ट्रांजेक्शन को सपोर्ट किसी ट्रांजेक्शन की सपोर्ट में है मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके एविडेंस में उस उस इसकी सपोर्ट में कोई एविडेंस होता है उस एविडेंस को हम क्या बोलते हैं तो ए इज कैश मेमो बी इज़ इन्वाइस सी इज़ वाउचर एंड डीज नन ऑफ डीज तो मैंने बताया था कि जो कोई भी एविडेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं वाउचर बोलते हैं ठीक है वाउचर में ही ये सारे भी आ जाते हैं सो तो उसको हम क्या बोलते हैं वाउचर सो राइट आंसर इज़ सी नेक्स्ट इज़ फिफ्टींथ बुक कीपिंग इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल डैश ट्रांजेक्शन्स बुक कीपिंग जो है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है कौन सी ट्रांजेक्शन्स का ऑप्शन ए इज पर्सनल ट्रांजेक्शन बी इज फाइनेंशियल सी इज नॉन फाइनेंशियल डी ऑल ऑफ दीज तो बुक कीपिंग में हम किन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं तो ऑप्शन इज़ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ठीक है पर्सनल ट्रांजेक्शन का तो हम रिकॉर्ड रखते ही नहीं है बुक कीपिंग में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी वैल्यू में मेजर ना कर सके उसका भी रिकॉर्ड नहीं रखते ऑल ऑफ़ दिस तो फिर ये हो नहीं सकता सो राइट आंसर इज बी यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आई होप आपको ये भी क्लियर है चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इनमें से कौन सी हैं जिनको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जो भी हम अकाउंटिंग के लिए बुक्स मेंटेन करते हैं उसमें रिकॉर्ड करेंगे ए इज सेल ऑफ़ गुड्स बी इज पेमेंट ऑफ सैलरी सी परचेज ऑफ गुड्स डी ऑल ऑफ अबाव तो ये मैंने पहले भी बताया इससे पहले कैंसे क्यों आया था कि जो भी हम सेल करते हैं या कोई सैलरी एक्सपेंस पे करते हैं या परचेज करते हैं ये सारी हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं तो ये हम सब रिकॉर्ड करते हैं सो राइट आंसर इज डी यानी ऑल ऑफ अबाउ चलिए आई होप ये क्लियर हो गया नेक्स्ट इज सेवनटींथ विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा है ये तो अभी अभी काफ़ी बार हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट स्टेप कौन 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 सा है इज़ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन बी इज़ प्रपरेशन ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सी इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन डी इज़ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन तो आपको पता ही है सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है आइडेंटिफाई करना कि हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस और नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन के बीच चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग

रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ये इसका सबसे पहला फंक्शन है कि सबसे पहले हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो बेसिक फंक्शन क्या हो गया रिकॉर्ड्स ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ठीक है दिस इज द बेसिक फंक्शन नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इन टू अकाउंट फ्राम हम ट्रांजेक्शन्स को लेजर में जब पोस्ट करते हैं तो वो कहाँ से पोस्ट करते हैं सो ऑप्शन ए इज वाउचर ऑप्शन बी इज जर्नल बुक ऑप्शन सी इज बैंक स्टेटमेंट एंड डी इज नन ऑफ दिस तो आपको याद होगा कि पहला स्टेप हमारा जो रिकॉर्डिंग का होता है वो है जर्नल और जर्नल के बाद हम क्या बनाते हैं लेजर जर्नल की हेल्प से ही हम क्या बनाते हैं लेजर सो ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इन टू लेजर अकाउंट फ्राम कहां से हम पोस्ट करते हैं राइट आंसर इज बी यानी जर्नल से सो आई होप ये भी क्लियर है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनमें से कौन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरनल यूजर है इंटरनल यूज़र मैंने बताया था जो मैनेजमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो सो so, इनमें से कौन है जो इंटरनल यूजर्स है ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बी मैनेजर सी इम्प्लाईज डी ऑल ऑफ ऑफआउ ये सारे ही इंटरनल यूजर्स में आते हैं सो राइट आंसर इज डी यानी ऑल ऑफ अबाउ चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अब इनके एमसी के डिस्कस कर लेते हैं सो फर्स्ट इज़ गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इज़ कॉल्ड जब हम पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विदड्रॉ करते हैं ये हम पहले भी कर चुके हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे तो कोई भी चीज़ जब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए विदड्रॉ करो चाहे वो गुड्स है चाहे वो कैश है उसको हम ड्राॅइंग्स बोलते हैं सो बी इज़ ड्राॅइंग्स सो गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इज़ कार्ड ए ऑप्शन ए इज कैश ऑप्शन बी इज ड्राइंग ऑप्शन सी इज़ कैपिटल डी इज़ नन ऑफ दीज तो जो भी हम चीज़ विदड्रॉ कर रहे हैं चाहे वो गुड्स की फॉर्म में हो चाहे कैश की फॉर्म में उसको हम ड्रॉइंग सी बोलते हैं सो राइट आंसर इज बी चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं सेकेंड इज ए पर्सन टू होम मनी इज ओड बायम अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज नोन वो पर्सन जिसको जिससे हमने गुड्स खरीदी हैं और जिसको हमने पैसा देना है उसको हम क्या बोलते हैं ऑप्शन ए इज़ क्रेडिटर ऑप्शन बी इज़ डेटर ऑप्शन सी इज़ बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस तो जिसको हमने पैसा देना है हमारे लिए वो लाइबिलिटी है और उसको हम बोलते हैं क्रेक्टर क्रेक्टर वो हो गया जिसको हमें पेमेंट पेमें करनी है जिससे हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदी हुई है सो राइट आंसर इज़ ए करैक्टर डेटर का मतलब होता है जिससे हमने पैसा लेना है जिसको हमने गुड्स बेची हैं लेकिन अभी तक पैसा नहीं लिया वो हमारे लिए डेटर है तो यहाँ हमने कहा है कि गुड्स परचेज की हैं सो so, जिससे परचेज की अगर उधार में खरीदी हैं तो वो हमारे लिए क्रेटर सो राइट आंसर इज ए चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इंटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड आर नोन ऐसे एसेट्स जिनको हम एक साल शॉर्ट पीरियड का मतलब हो गया एक साल एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लें उन एसेट्स को हम क्या कहते हैं ऑप्शन ए इज़ करंट एसेट्स बी इज फिक्स एसेट्स सी इज इंटेंजिबल डी इज इन्वेस्टमेंट सो जो एसेट्स एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं उनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स हो गए जो एक साल के बाद कैश में कन्वर्ट हो जाएं या फिक्स एसेट वो होते हैं जिनका यूज करके हमें फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करना है इंटेंजिबल एसेट्स तो वो हो गए जो हमें दिखाई नहीं देते यानी जिसको हम देख नहीं सकते छू नहीं सकते इन्वेस्टमेंट भी हमारा फिक्स एसेट में आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा फिक्स एसेट्स में आती है सो राइट आंसर इज करंट एसेट्स चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं पेटेंट कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स आर पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स जो हैं वो क्या हैं सो ऑप्शन ए इज़ करंट एसेड फिक्स एसेट, इंटेंजिबल और डी इन्वेस्टमेंट तो ये आपको पता ही है कॉपीराइट पेटेंट ये हमारे इंटेंजिबल यानी ऐसे एसेट्स जो हमें दिखाई नहीं देते जिसको हम छू नहीं सकते ऐसे एसेट्स एसे हैं तो इन एसेट्स को हम बोलते हैं इंटेंजिबल यानी आंसर इज़ सी चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं फिफ्थ इज द डेप्ट विच आर टू तो बी फिक्सड विद इन ए ईयर आर नोन एज ऐसा डेप्ट जो हमें एक साल के अंदर पे करना है उसको हम क्या कहते हैं ए इज़ फिक्स लाइबिलिटी बी इज़ करंट लाइबिलिटी सी इज़ कॉन्टीज लाइबिलिटी ऑल ऑफ अबाउट डी तो एक साल के अंदर जो हमें पेमेंट करनी है कोई लाइबिलिटी uh, पे करनी है उसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी सो आंसर इज़ बी यानी करंट लाइबिलिटी फिक्स लाइबिलिटीज़ होती हैं जो एक साल के बाद पे करनी है कॉन्टिज लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिनका होना या ना होना फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है ठीक है ये मैंने बताया हुआ है पहले भी तो आलफाव तो इनमें से हो नहीं सकता चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं द सेल इज आल्सो कॉल्ड एज सेल को हम और क्या कहते हैं ए ट्रांजेक्शन बी सेल्स रिटर्न सी टर्न ओवर डी परचेज रिटर्न तो सेल को ट्रांजेक्शन तो हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं वो सेल भी हो सकती है परचेज भी हो सकती है एक्सपेंस पे किया वो भी ट्रांजेक्शन है सेल्स रिटर्न तो हो गया जो हमने गुड्स खरीदी अगर उनमें से कुछ वापस की तो वो सेल्स रिटर्न है और डी वाला परचेज रिटर्न का मतलब हो गया जो हमने गुड्स खरीदी थी उसको वापस की तो वो परचेज रिटर्न है तो सी इज द राइट आंसर टर्न ओवर टर्न ओवर को ही हम सेल भी कहते हैं सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्न ओवर सो राइट आंसर इज सी नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एन आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइज आउट ऑफ फॉलोइंग हमें इनमें से आइडेंटिफाई करनी है आइटम ऑफ रेवेन्यू यानी इनकम किसके लिए जो फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज़ हैं फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज़ क्या होती हैं ऐसी इंटरप्राइजेज़ जो लोन देती हैं जो कि लोगों को लोन देती हैं इंटरेस्ट पे तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो फाइनेंशियल इंटरप्राइज है उस उनके लिए जो रेवेन्यू का आइटम इनमें से कौन सी है सो आंसर इज़ इंटरेस्ट इंटरेस्ट नॉट इंटेंट इंटरेस्ट ऑन ऑन लोन बी सेल ऑफ गुड्स सी सर्विस सेंटर डी नन ऑफ दिस तो फाइनेंशियल इंटरप्राइज बेसिकली क्या करती हैं लोन देती हैं तो लोन पे उन्हें इंटरेस्ट आता है सो राइट आंसर इज ए इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इसमें से कौन सी है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है ए बॉट फर्नीचर फॉर ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फॉर बिजनेस हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है पेड टू थाउजेंड फॉर सैलरी ऑफ इंप्लाइज इंप्लाइज की सैलरी देना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है पेड फाइव रुपीज़ फाइव थाउजेंड फ्राम पर्सनल बैंक अकाउंट फॉर डोमेस्टिक यूज़ हाँ ये जो पाँच हज़ार हम पर्सनल यूज यूज़ के लिए लेकिन अपनी पर्सनल पॉकेट से दे रहे हैं वो बिज़नेस ट्रांजेक्शन में नहीं आएगा अगर कोई ओनर अपने पर्सनल पैसों से अपने पर्सनली अपने लिए कोई चीज़ खरीद रहा है तो वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं करती तो हमारे लिए वो बिज़नेस ट्रांजेक्शन नहीं है सो राइट आंसर इज़ सी नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फिक्स एसेट इनमें से कौन सा है जो फिक्स एसेट नहीं है बिल्डिंग ए इज़ बिल्डिंग बी इज़ लैंड एंड मशीन लैंड एंड मशीनरी सी बैलेंस विद बैंक ऑल ऑफ दिस कहते हैं इनमें से कौन सा है जो फिक्स एसेट नहीं है बिल्डिंग भी हमारा फिक्स एसेट में आती है लैंड एंड बिल्डिंग भी लैंड एंड मशीनरी भी फिक्स एसेट में आती है बैलेंस विद बैंक बैंक के पास जो बैलेंस पड़ा है यानी जो हमारा कैश बैंक के पास पड़ा है वो हमारा फिक्स एसेट में नहीं आता सो राइट आंसर इज़ बैलेंस विद बैंक चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं विच ऑफ़ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल करेक्टर की नहीं है परचेज ऑफ एसेट क्रेडिट ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है क्योंकि इसमें हम कोई एसेट खरीद रहे हैं उधार पे खरीदें लेकिन बाद में पैसा तो देना ही है परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश यहाँ पे कैश में खरीद रही हैं ये भी फाइनेंशियल करैक्टर की है विदड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ पर्सनल यूज़ के लिए हमने पैसा निकाला ये भी फाइनेंशियल करैक्टर है क्योंकि सब में कैश इन्वॉल्व हो रहा है स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय एम्प्लॉय जो स्ट्राइक स्ट्राइक कर रही है ये नॉन फाइनेंशियल करैक्टर की है नॉन फाइनेंशियल करैक्टर मतलब मैंने पहले भी बताया जिसको हम मनी वैल्यू में मेजर ना कर सकें तो स्ट्राइक बाई एम्प्लॉयज ए नॉन फाइनेंशियल करेक्टर है टाइप की इंफॉर्मेशन है तो ये हमारा डी इज़ द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं ए लाइबिलिटी अराइज़ बिकॉज ऑफ एक लाइबिलिटी अराइज़ होती है एक लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है क्यों इंक्रीज़ होती है ऑप्शन ए इज़ कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस एक लाइबिलिटी तभी इंक्रीज़ होती है जब हम कोई क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करते हैं हमने कोई क्रेडिट में गुड्स खरीदी तो तब हमारी एक लाइबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि हमें वो पेमेंट फ्यूचर में करनी है तो लाइबिलिटी कब इंक्रीज़ हुई जब कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई बी सो बी इज़ द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं नेक्स्ट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर इन इज बिजनेस इज़ कॉल्ड ये तो हम पहले भी कर चुके हैं जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया उसको हम कैपिटल बोलते हैं तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है ये बता चुका हूँ बैंक ओवर ड्राफ्ट इज ए जो हम बैंक से ओवरड्रॉ करते हैं यानी जितना बैंक में बैलेंस उससे ज़्यादा जो पैसा निकालते हैं उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं तो वो क्या है इज़ ए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी और नन ऑफ ननवतीज़ तो जो बैंक से हम पैसा ओवरड्राफ्ट कराते हैं यानी जितना पैसा है उससे ज़्यादा निकाल लेते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में आता है क्योंकि वो हमें एक साल से पहले उसकी पेमेंट करनी होती है सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नेक्स्ट इज परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ परचेज किसको कहते हैं बाइंग ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़ या बीज एसेट ऑफ फैक्ट्री गुड्स फॉर रीसेल डी इन्वेस्टमेंट तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज हम वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं यानी जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं तो परचेज किसके लिए कहेंगे गुड्स फॉर रीसेल यानी जिसका हम बिजनेस करें मतलब जो चीज़ खरीदें आगे कस्टमर को बेचने के लिए तो हम उसको परचेज बोलते हैं सो राइट आंसर इज परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल यानी सी चलिए नेक्स्ट इज रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन रेफर्स टू रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है रेवेन्यू अर्न फ्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रेवेन्यू अर्न फ्राम एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट ऑपरेटिंग बोथ ही एंड बी आर नन ऑफ दिस ये तो मैंने पहले भी बताया था कि रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन ऑपरेशन हो गया जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम डील कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड होगा रेवेन्यू अर्न फ्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सो राइट आंसर इज़ ए यानी जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो हम पैसा कमा रहे हैं वो हमारा क्या होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ रेवेन्यू ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज मतलब जो लोन देने का काम नहीं करती तो कहता है इसमें बताओ कौन सी ऐसी आइटम है जो नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज के लिए रेवेन्यू का काम करती है यानी इनकम का काम कर रही है सो ऑप्शन ए इज इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन B sale of goods, B uh, C both A and B and none of these. देखिए non-financial enterprise हो गया जो loan वगैरह का business नहीं करती तो अगर वो loan का business नहीं करती या loan नहीं दे रही, it means वो goods बेच रही है, sale purchase कर रही है goods की, so right answer is identify the item of revenue of non-financial enterprises sale of goods यानी B. चलिए, I hope ये आपको सारा clear हो गया है, तो आज आपके मैंने दो topic करवा दिए, next जो video में ले के आऊँगा आगे उसके एक या दो टॉपिक लेंगे हम तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर करके रखिए तो जो भी डाउट्स होंगे आपके मीन टाइम क्लियर हो जाएंगे सो थैंक यू दोस्तों और फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू दोस्तों थैंक यू वेरी मच